जैसा कि आप जानते हैं, हम रोजाना आपके लिए दुनिया भर की सभी मजेदार और फायदेमंद ऑटो न्यूज लेकर आते हैं। और आज हम बात करने वाले हैं इटालियन स्कूटर निर्माता कंपनी इटलजेट के नए स्कूटर 2020 इटलजेट ड्रैगस्टर के बारे में। हमने जब पहली बार इस स्कूटर के बारे में जाना, उसी वक्त हमें ये स्कूटर बेहद पसंद आया और हमें यकीन है कि ये स्कूटर आपको भी काफी पसंद आएगा। आज के इस वीडियो में हम आपको 2020 इटलजेट ड्रैगस्टर के फीचर्स, स्पेसिफिकेशन और भारत में लॉन्च होने के बारे में पूरी जानकारी देने वाले हैं। पर आगे बढ़ने से पहले ऐसे ही फायदेमंद वीडियोस कभी मिस ना करने के लिए प्लीज आप हमारे चैनल एनजे हिंदी को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। 2020 इटलजेट ड्रैगस्टर को दो इंजन ऑप्शन 125 सीसी और 200 सीसी के साथ लॉन्च करेगी और मई 2020 में इस स्कूटर का प्रोडक्शन शुरू होगा। वहीं डिलीवरी की बात करें तो 2020 की दूसरी छमाही से इस स्कूटर की डिलीवरी शुरू हो जाएगी। फीचर्स की बात करें तो 2020 इटलजेट ड्रैगस्टर के फ्रंट में हब स्टीयरिंग के साथ हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड एडजस्टेबल शॉक फीचर दिया जाएगा, साथ ही रेडिकल और फ्यूचरिस्टिक डिजाइन वाला ट्रेलिस फ्रेम दिया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं ड्रैगस्टर के 125 सीसी वेरिएंट की, तो इसमें दिया गया 125 सीसी का इंजन 10,000 आरपीएम पर 14.9 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 7,750 आरपीएम पर 12.5 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ब्रेकिंग के मामले में इस स्कूटर में डिस्क ब्रेक के साथ सीबीएस दिया जाएगा। वहीं डायमेंशंस की अगर बात करें तो ड्रैगस्टर 125 में 12 इंच फ्रंट और 13 इंच का रियर व्हील दिया जाएगा और इसका कुल वजन 108 किलोग्राम है। अब बात करते हैं ड्रैगस्टर के 200 सीसी वेरिएंट की, तो इसमें दिया गया 200 सीसी का इंजन 8,250 आरपीएम पर 19.8 बीएचपी की मैक्सिमम पावर और 6,250 आरपीएम पर 17 न्यूटन मीटर का पीक टॉर्क जनरेट करता है। ब्रेकिंग के मामले में फ्रंट व रियर डिस्क ब्रेक के तहत सिंगल चैनल एबीएस दिया जाएगा और ड्रैगस्टर 200 का कुल वजन 1,126 किलोग्राम होगा। लॉन्च की बात करें तो इटलजेट कंपनी यूके और जर्मनी को अपने सबसे बड़े मार्केट के रूप में ट्रीट करती है, लेकिन ये स्कूटर वर्ल्ड के कई अलग देशों में लॉन्च होगा, उसमें से कुछ देश एशिया के भी होंगे, ऐसी उम्मीद की जा रही है। हालांकि कंपनी इस स्कूटर को भारत में कब लॉन्च करेगी उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है, लेकिन हमें यकीन है कि ये स्कूटर जब भी भारत में लॉन्च होगा तो ग्राहकों को काफी पसंद आएगा। इस बारे में अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको ये ऑटो न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करके ऐसे ही फायदेमंद वीडियोस बनाने के लिए हमारा हौसला बढ़ाइए। थैंक यू वेरी मच।